टॉपिक की जो बात आज हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि वीडियो के पार्ट थ्री में कुछ कंफ्यूजन हुआ है आप लोगों को और मेरे लिए संभव ही नहीं है एडिट करना, इसलिए इस पर एक फ्रेश वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको ये क्लियर पता चल जाए कि ट्रेड रिसीवेबल क्या है। मान लीजिए हम बिजनेसमैन हैं और मेरा नाम ए है, हम बिजनेसमैन हैं और मेरा नाम ए है, मेरा मोबाइल का बिजनेस है। बी एक कस्टमर है, सी भी कस्टमर है, डी भी कस्टमर है और ई भी कस्टमर है। बी सी डी ई चार कस्टमर से इन लोगों को हम मोबाइल में भी मोबाइल सेल कर रहे हैं। इसको 4000 का हम मोबाइल सेल किए, रुपीज 4000 का, इसको रुपीज 6000 का, इसको रुपीज 8000 का और इसको रुपीज 10000 का। ऑलरेडी जो भी सेल कर रहे हैं वो हम क्रेडिट पे कर रहे हैं, तो अगर किसी को क्रेडिट पे हम सेल करें तो वो हमारे लिए डेटर्स बनेगा। अभी वाले सिचुएशन में जो मेरा डेटर्स है वो है 4000 प्लस 6000 प्लस 8000 प्लस 10000, मेरा टोटल डेटर्स है 6, 4, 10, 8, 18, 10, 28, 28000 का मेरा ये डेटर्स है। इसी बीच जब हम डी को सेल कर रहे थे तो डी एक बिल एक्सेप्ट करके हमको दे देता है कि आपको 3 मंथ्स के बाद हम पेमेंट कर देंगे। ये एक बिल एक्सेप्ट करता है, बिल एक्सेप्टेड बाय डी। जब बिल चूंकि एक्सेप्ट कर रहा है डी तो ऑलरेडी मेरे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में बी ऑब्लिक आर भी लिखा जाता है। जब वो बिल एक्सेप्ट करेगा उस कंडीशन में जो मेरा डेटर्स होगा 4000 प्लस 6000 प्लस 10000, क्योंकि ऑलरेडी एक लीगल एविडेंस वो हमको दे चुका है तो वो डेटर्स नहीं रहेगा, क्योंकि बदले में वो एक बिल रिसीवेबल हमको दे चुका है। ठीक इसी तरह से आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी कस्टमर्स को हम 5000 रुपए का सामान बेचे और वो 5000 का सामान बेचे और वो बदले में हमको चेक दे दिया, तो उस कस्टमर को हम डेटर नहीं बोल सकते क्योंकि बदले में एक चेक वो दे चुका है, चाहे वो चेक आगे के डेट का ही क्यों नहीं हो तो वो डेटर्स नहीं रहेगा क्योंकि बदले में एक चेक दे चुका है। ठीक उसी तरह से यहां पर डी बदले में एक बिल रिसीवेबल हमको दे चुका है तो डी यहां पर डेटर्स नहीं रहेगा। तो डेटर्स कौन बनेगा, तो डेटर्स मेरा बी होगा, डेटर्स कौन होगा तो सी होगा और डेटर्स कौन होगा ई होगा। तो टोटल जो डेटर्स होगा मेरा 6, 4, 10, 10, 20000 का डेटर्स होगा। और अब बात करें बिल्स रिसीवेबल की, बात करें कि मेरे पास बिल्स रिसीवेबल कितने का, तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास बिल्स रिसीवेबल जो है वो 8000 का है जो डी के द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ है। अगर हम बात करें ट्रेड रिसीवेबल कितना है, ट्रेड रिसीवेबल कितना है तो डेटर्स प्लस बी आर, तो डेटर्स 20000 और प्लस बी आर 8000 इज इक्वल टू 28000 मेरा जो होगा वो ट्रेड रिसीवेबल होगा। उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि चूंकि डी ऑलरेडी बिल एक्सेप्ट कर करके दे रहा है तो इस कंडीशन में बी हमारा डेटर्स नहीं होगा, लेकिन बी सी और ई ये हमारा डेटर्स होगा क्योंकि इसके साथ हमने किसी तरह का कोई लीगल एविडेंस हमने नहीं लिया है। तो हो सकता है कि बी सी ई पे हमको ट्रस्ट ज्यादा हो कि हमको लगता है कि नहीं ये पेमेंट करेगा ही करेगा। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आस पड़ोस के होते हैं या काफी जान पहचान के होते हैं या रिलेटिव होते हैं, तो उनसे बिल ऑब्लिगेशन का हम डिमांड नहीं करते हैं, उसको ये एविडेंस उनसे नहीं लेते हैं, तो ऑलरेडी वो डेटर्स रहेगा। तो यहाँ पे बी सी और ई डेटर्स है, डी डेटर्स नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बिल रिसीवेबल हमको दे चुका है। तो उम्मीद है कि डेटर्स है 28000 का उस कंडीशन में जबकि डी बिल एक्सेप्ट करके नहीं दे रहा है।
जब बिल एक्सेप्ट करके दी जाएगा तो डेटर्स मेरा 20,000 हो जाएगा और बिल रिसीवेबल हो जाएगा 8,000 और ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा 20,000 प्लस 8,000 28,000 का। फिर भी डाउट है तो फिर आप कॉमेंट कीजिएगा।